वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं इतनी ज्यादा खुश और एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज ना मैं आपके साथ अपनी फेवरेट चीज के बारे में बात करने वाली हूँ, विच इज गोइंग टू बी हाइलाइटर्स। आप लोगों को पता है हाउ मच आई लव हाइलाइटर, यू कैन चेक आउट माई ग्लो। आज मैं आपके साथ ना अपने टॉप 10 फेवरेट हाइलाइटर्स को शेयर करने वाली हूँ जो कि एक्चुअली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऑल्सो मैंने सारी फिनिश को भी इंक्लूड किया, क्रीम फिनिश, लिक्विड फिनिश एंड पाउडर फिनिश। आपको कितना ज्यादा ग्लिटरी चाहिए, कितना ज्यादा सटल चाहिए, सब चीजों का मैंने ध्यान दिया। ये सारे हाइलाइटर्स अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, उनका परचेज लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत ही बढ़िया सी सेल चल रही है अभी गाइस अमेज़न के ऊपर, सो मेक श्योर आप जरूर चेकआउट करना। बहुत ही अच्छे से डिस्काउंट और डील्स तो हमेशा चलती रहती है, लाइक 50-80% तक आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सो मेक श्योर जरूर चेकआउट करना। सो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही है ताकि आप इजिली परचेज कर पाए। सो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करेंगे पाउडर हाइलाइटर्स की एंड देन हम लोग क्रीम हाइलाइटर की बात करेंगे। फर्स्ट हाइलाइटर इज गोइंग टू बी दिस मार्स हाइलाइटर। मैं इसके बारे में ना कम से कम 100 बार एपिसोड शेयर कर चुकी हूँ दैट हाउ मच आई लव दिस हाइलाइटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसकी पैकेजिंग देख लो एंड प्राइस देख लो, मतलब इतना ज्यादा अफोर्डेबल हाइलाइटर रहने के, एंड ऑफकोर्स अमेजोन पे डिस्काउंट पे आया हुआ, सो मेक श्योर उसको फटाफट से ले लेना। मैग्नेटिक क्लोजर है ये एंड दिस इज द हाइलाइटर। फुल साइज यहाँ पे मिरर मिल जाता है एंड गाइस इतना ज्यादा बटरी क्रीमी स्मूथ सा हाइलाइटर है इसकी, लाइक फिनिश इज रियली नाइस। जस्ट चेक दिस आउट, क्या बढ़िया वाला ग्लो देता है। जस्ट चेक दिस आउट, इसका ग्लो कितना ज्यादा सुंदर आता है ना, अगर ये फेस के ऊपर होगा तो सोचो कितना ज्यादा सुंदर लगेगा। ऑल्सो ये जो शेड है ना, दिस इज सिल्वर एंड आप अगर आपकी फेयर स्किन टोन है तो सिल्वर बहुत अच्छा लगेगा, एंड अगर आपकी मीडियम स्किन टोन है तो उसके लिए मीडियम और डीप के लिए भी 2 शेड्स और आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। नेक्स्ट हाइलाइटर उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज्यादा शेयरिंग इज केयरिंग में बिलीव करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको एक हाइलाइटर चाहिए जिसमें बहुत सारे शेड्स हो तो आप डेफिनेटली ये मेकअप रेवोल्यूशन का जरूर चेकआउट करना। दिस इज रेवोल्यूशन प्रो 4K हाइलाइटर पैलेट एंड गाइज जस्ट चेक दिस आउट, चारों के चारों शेड्स इतने ज्यादा गॉर्जियस है कि इंडियन स्किन टोन्स पे ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ऑल्सो मैं इन दोनों को मिक्स करके यूज करती हूँ तो मेरी स्किन टोन पे बहुत ही अच्छे से जाता है, एंड इसकी क्वालिटी आप देखना कितना ज्यादा कितना ज्यादा प्रिटी है एंड इतना ज्यादा ब्लाइंडिंग और बहुत ही अच्छा सा बटरी स्मूथ सा हाइलाइटर है। ऑल्सो गुड थिंग इसके इसमें किसी भी टाइप के चंकी पार्टिकल्स नहीं है, ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, तो आप ऑफकोर्स इसको आई वुड से कि आप एवरीडे बेसिस पे यूज कर सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लाइंडिंग है, बट हल्का हल्का लेके तो आप कर ही सकते हो, अच्छा लगेगा ही। इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है एंड उसके हिसाब से ना काफी ज्यादा अफोर्डेबल हाइलाइटर है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एंड मैं तो इस हाइलाइटर को ना एज आई शेडो भी यूज कर लेती हूँ क्योंकि इतने ज्यादा पिगमेंटेड है ना और इतने ज्यादा अच्छा ग्लो आता है इसका, तो ये आईज के ऊपर भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। ओके सो नेक्स्ट बात करेंगे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेंज की। सो ये भी मार्स का ही है, इसकी भी पैकेजिंग रोज गोल्ड क्लासी सी पैकेजिंग है, बहुत ही सही है। एंड द बेस्ट पार्ट इसमें ये देखो फ्लोरल डिटेलिंग कितनी ज्यादा सुंदर लगती है ना इसकी। एंड ऑल्सो यू कैन डू इस, आप ये सब कुछ ना इसे सॉइल करके भी यूज कर सकते हो, एंड अगर आपको लगे पर्टिकुलर शेड चाहिए तो आप ऐसे करके ऑफकोर्स ले ही सकते हो। पहले मैं ये पुराने वाले को वाइप कर देती हूँ, तो आप चाहे तो मिक्स भी कर सकते हो, आप चाहे तो एक पर्टिकुलर शेड भी यूज कर सकते हो। एंड अगेन इसकी भी क्वालिटी एंड इंटेंसिटी काफी ज्यादा अच्छी, आप देखो ये भी बहुत ही ब्लाइंडिंग है, इसमें भी कोई भी चंकी पार्टिकल्स ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, एंड इसमें आपको 5 शेड्स मिल जाते हैं छोटे छोटे, तो आप ऑफकोर्स एज अ आई भी इसको यूज कर सकते हो, लाइक आईज के ऊपर भी ये कलर्स बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं, दीज आर क्वाइट न्यूट्रल कलर्स ना, सो एज अ न्यूट्रल आई शेडो भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। क्वालिटी वाइज इट्स अमेजिंग, लुक वाइज इट्स ब्यूटिफुल, सो डेफिनेटली ट्राई दिस आउट, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है ये। सो अगर आपको बहुत ज्यादा इंटेंस ग्लो नहीं पसंद, इफ यू वॉन्ट की काफी ज्यादा नेचुरल सा और सटल सा ही लगे, लाइक एवरीडे हाइलाइटर लगे, सो यू कैन ट्राई दिस एल्फ हाइलाइटर। दिस इज रियली सटल बट इट्स सो ब्यूटिफुल क्योंकि इसके अंदर ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है ना, तो ये फेस के ऊपर इतने ज्यादा नेचुरल लगता है ना, दिस इज रियली प्रिटी। नाउ हल्का सा आई वुड से कि इसका जो फॉर्मूला है क्रीमी तो नहीं है, बट द ओनली थिंग इज के फेस के ऊपर इतना प्यारा लगता है ना ये, लाइक इतना नेचुरल सा सटल सा ग्लो देता है, म्यूटेड सा ग्लो देता है ना, इट लुक्स रियली नेचुरल रियली सटल। तो अगर आप एवरीडे मेकअप कर रहे हो ना, ऑफकोर्स अगर आप एवरीडे मेकअप कर रहे हो, अगर आपका हल्का सा हाइलाइटर अप्लाई करने का मन कर गया, कभी कभार होता है ना एक्स्ट्रा तैयार होने का मन करता है, तब डेफिनेटली इसको जरूर ट्राई करना। सो नेक्स्ट जिस हाइलाइटर के बारे में बात करने वाली हूँ ना, इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेट एंड वाइल्ड हाइलाइटर, दिस इज इन द शेड ब्लॉसम ग्लो। ये थोड़ा सा पिंक टोन हाइलाइटर है तो ये फेयर स्किन टोन पे अच्छा लगेगा, बट डेफिनेटली इसमें काफी सारे शेड्स भी आते हैं, तो ऑफकोर्स आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हो। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी बटरी क्रीम, बहुत ज्यादा सुंदर फॉर्मूला इसका, सो नाउ जस्ट चेक आउट द स्वाच, कितना ज्यादा प्रिटी सा, ये भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ है एंड ऑफकोर्स इसका ग्लो भी बहुत ही अच्छा आता है,
जस्ट चेकआउट, कितना प्यारा सा इंटेंस सा लगता है। पिंक बेस तो है ही है, बट इसमें ना हल्के से पिंक रिफ्लेक्ट्स भी है, लाइक इसकी जो शिमर्स है ना वो पिंक रिफ्लेक्ट देती है। ऐसा लगेगा कि आपके अंदर से एक पिंक कलर का ग्लो आ रहा है, पिंक कलर का ह्यू आ रहा है। ऑफकोर्स इसको आप मर्ज करोगे ना तो बहुत ही ज्यादा सटल सा ग्लो आएगा। ऑल्सो गुड थिंग इसके इसके अंदर भी बड़े बड़े से ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, जो कि सब लोगों को नहीं पसंद आते हैं, कई लोगों को अच्छे लगते भी हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रीम हाईलाइटर्स। नो, क्रीम हाईलाइटर्स मुझे इसलिए बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं। आप उसको फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हो, आप उसको आई शेडो बेस की तरह यूज कर सकते हो, ऑफकोर्स फेस पे तो कर ही सकते हो एज अ हाईलाइटर। लिपस्टिक में मिक्स करके उसको बहुत ज्यादा ग्लॉसी सी बना सकते हो। फर्स्ट हाईलाइटर इज गोइंग टू बी दिस स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर। दिस इज सो प्रिटी, इतना ज्यादा ब्लाइंडिंग है ना। आप इस हाईलाइटर की वन ड्रॉप अपने फाउंडेशन में मिक्स करो एंड आप देखो कि आपका बेस मेकअप इतना ज्यादा ग्लोई और ड्यूई सा हो जाएगा ना, ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। दिस इज हाउ दी पैकेजिंग लुक्स लाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजिंग भी काफी क्लासी है। मेरे पास 02 शेड है, सिल्वर पिंक। द गुड थिंग इसके बहुत ज्यादा ना थिक नहीं है, हैवी नहीं है, बट काफी अच्छा सा ग्लो देता है ना। मैंने बहुत सारा लिया है, बट सीरियसली आपको वन ड्रॉप ही चाहिए एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। किसी भी टाइप के चंकी ग्लिटरी पार्टिकल जिसके अंदर नहीं है तो फेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा नेचुरल सा लगता है। नेचुरल तो नहीं, मतलब ग्लोई तो लगता ही है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना हाईलाइटर यूज करते हो। नाउ मैं आपके साथ ऐसा प्रोडक्ट शेयर करूंगी जो कि आप ऑन इट्स ओन भी लगा सकते हो एंड अपने मेकअप के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक हाईलाइटर का तो काम करता है, आपको बहुत ज्यादा सटल और नेचुरल सा ग्लो देता है। इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन नेचुरली ग्लोई लगती है, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। बट आप इसको एज अ प्राइमर यूज कर सकते हो या फिर आप इसको ऑन इट्स ओन सिर्फ मॉइस्चराइजर की तरह अप्लाई करो एंड आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोई लगेगी। बट दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में इंक्लूड किया है। दिस इज लैक्मे लूमी क्रीम। एज अ हाईलाइटर आप इसको टॉप नहीं कर सकते, बट ये बेस में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। क्योंकि हाईलाइटर ऑफकोर्स हमको ग्लो देते हैं ना, तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर सा नेचुरल सा आपकी स्किन में ग्लो एड करता है। एज आई सेड, आप या तो इसको प्राइमर की तरह अप्लाई कर लो या फिर एक मॉइस्चराइजर की तरह अप्लाई कर लो, तो आपकी स्किन इस तरीके से ग्लो करेगी जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। सो नेक्स्ट अप गाइस, ये वेट एंड वाइल्ड का हेलो हाईलाइटर। ये मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, लाइक ये काफी ज्यादा पुराना भी है टू बी ऑनेस्ट, बट ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है। एक तो काफी ज्यादा कन्वीनियंट सी पैकेजिंग में आता है इस तरीके से कंसीलर की तरह, एंड द फॉर्मूला इज रियली नाइस, बहुत ज्यादा नेचुरल है, बहुत सटल है। एंड द गुड थिंग इज कि ये ना आपके मेकअप को लिफ्ट नहीं करता। कई बार होता है ना क्रीम हाइलाइटर्स अप्लाई करने के बाद ना हमारा फाउंडेशन या फिर बेस मेकअप ना क्रम्बल होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है। इससे क्या होता है, इससे से नहीं होता, ये स्किन में काफी ज्यादा नेचुरली ब्लेंड हो जाता है, स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। ऑफकोर्स क्रीम हाईलाइटर को हमें पाउडर से पहले ही अप्लाई करना है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपने पाउडर के ऊपर क्रीम अप्लाई किया तो वो डेफिनेटली इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अगेन इसके अंदर भी आपको बड़े बड़े ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं। ऑफकोर्स आप इसको बिल्डअप कर सकते हो, लाइक जितना चाहे आप उतना ग्लो इससे ले सकते हो। सो दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मूला, अगेन मोटे मोटे ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, विच इज द बेस्ट थिंग। But if you want मोटे मोटे glitter particles and if you want to jazz up your look, you can definitely try this Swiss Beauty की jelly highlighter. This is in the jelly form, first of all. काफी बढ़िया सा formula है, काफी interesting सा formula है इसका, ऐसे squishy सी jelly है इसकी। एंड गाइस ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, बट मैंने आज तक लाइक ऐसी ओकेजन मुझे मिली नहीं कि मैं इसको अप्लाई करूं। बट हाँ, अगर ड्रामेटिक मेकअप कर रहे हो एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई दिस। थोड़ा सा नहीं, ब्लेंड करने में डिफिकल्ट है क्योंकि हल्का सा इसका फॉर्मूला स्टिकी स्टिकी सा है, बट ये एज अ आई शेडो बेस भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। अगर आप इसको लाइक अप्लाई करके ऊपर ब्यूटीफुल सा आई शेडो अप्लाई करो तो काफी अच्छे से स्टिक कर देगा। सो दिस इज हाउ द फिनिश लुक्स लाइक जस्ट चेक आउट कितने बढ़िया से बड़े बड़े से इसमें ग्लिटर पार्टिकल्स है, लाइक बहुत ज्यादा प्रिटी लगते हैं। बट मुझे आज तक लाइक इसको अप्लाई करने का कभी मौका मिला नहीं है। नेक्स्ट हाईलाइटर इज गोइंग टू बी दिस लैक्मे एब्सोल्यूट हाईलाइटर। एंड ऑफकोर्स ये फाउंडेशन में मैंने आज तक इसको ऑन इट्स ओन नहीं यूज किया क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लाइंडिंग हो जाता है, मेरे लिए बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है। बट मैंने इसको फाउंडेशन में मिक्स करके डेफिनेटली यूज किया एंड बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है ये ब्लैक फाउंडेशन के साथ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ना इसमें ना तीन शेड आते हैं, तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हो एंड जस्ट चेकआउट। इसमें ना हल्का सा लाइक गोल्डन, ये लाइटेस्ट शेड है, इसमें हल्का सा गोल्डन कलर का रिफ्लेक्ट आता है विच इज रियली प्रिटी ऑफकोर्स। एंड फाउंडेशन के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड एक बार ये फेस के ऊपर सेट हो जाता है ना तो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, एकदम टिका रहता है। तो गाइस दीज आर दी टॉप 10 हाईलाइटर्स जो कि मुझे आजकल बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड अगर मेरी लिस्ट में और ज्यादा ऐड होते गए तो फिर ऑफकोर्स मैं आपके साथ शेयर खरीदूंगी। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको खरीदने तो आप वहां से जाकर ले सकते हो। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप दैट यू एंजॉयड इट। इफ यू डिड देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप।
अप एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।